वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, क्या बोलती पब्लिक, हाउ डू यू डू स्कू वीडियो वीडियो। तो भाई कर्मा का गाना आया है बीट, तो वो आज हम सुनेंगे और देखते हैं कि कर्मा क्या लेकर आया। और उससे पहले मैं बता दूं कि भाई ये चैनल में यहाँ पे व्यू चोरी अपना रैप वाला सारा सीन होएगा, अब यहाँ पे वो टीटो पार्टियाँ बहुत कम होंगी। तो भाई हमने छपरी की गांड मारी है, शिफ्ट टा तुम्हें पता तो है आप बिरयानी, तो उसकी हमने गांड मारी है। वो पीछे बेल्ट नजर आ रही है, उससे भैंस उसकी बुंड पे मारे मैंने। हर जगह उंगल करता है यार, जिंदगी को सुकून से जीने नहीं दे रहा था। तो भाई अब मारेंगे हम इसकी बुंड, इसको पता चले कि भैनचोद जब हेट मरता तो फिर तुम्हारी मामा को कैसे मरता है, सीधी बात है। तो हमने नीचे मैं बल्कि नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में, ये तुम में से कई लोग देख बैठे हुए हैं वो वीडियो, लेकिन मुझे इसलिए बोलना पड़ा कि क्योंकि मैंने इस मेन चैनल से नहीं डाला, ज़्यादा जोर पड़ना था, मैंने इसलिए अलग कर दिया ताकि इसको अलग यहाँ ये अलहदा ये जो कंटेंट, एक तो मैच मेरा एक्स्ट्रा जो है वो कंटेंट क्रिएट मैच, तो वो वहाँ पे है, तो जाकर देखो और इंजॉय करो, मज़ेदार है। मैं हाँ मज़ेदार है, बुरी नहीं है। तो मिलता हूँ आपको किसी अगली वीडियो में, बोलने लगा था बीट दो कर्मा डीप कल्सी और MYP। स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग और चेक करते हैं कि कर्मा क्या लेकर आया है। बाबा जी यस कर्मा ये सब डमारिस मैं स्मारिस मेरा जैसा एक ये 45 बैक में 50 तो कॉमर्स कर मेरे जैसा AK 45 तो मैं समझ गया कि मेरा आर्टिस्ट वो है ये है वो, लेकिन दूसरा 45 क्या होगा, ब्रैकेट में जो डाला है 45 AK 45 ये सब डमारिस मैं स्मारिस मेरे जैसा एक ये 45 AK 45 बस एक बार एक अकबर, ये देखो ना अब ये लिरिक्स ना होते तो मेरे तो लिरिक्स लग जाने थे। एक बार अकबर मिल विद पावर, अच्छा ये तो वो है ना इसका ग्रैंडसन सीन है ना, उमर आया, उमर मिर्ज़ा, फिर बाबर, फिर मायू और फिर अकबर, हाँ ग्रैंडसन वो। अब ये सही हुआ तो लोगों ने कहना है कि ये गलत, न्याजी ने वीडियो देखा हुआ है, और अगर गलत हुआ तो लोगों ने मेरे पे मीम्स बना देनी है, यही होता है ना प्रो। अगर मुझे अकबर और मैं रहता घर से बाहर, लिखे गीत दो ये सारे कितना हल्ला मचाए हम, मैं 300 के पार फिर भी शांत लिखते जा रहे, हमको चीज जो भी चाहिए उस पे कब सा हक। अब ये 300 जो है लोग मतलब हंगामा मचा रहे, अब 300 गाने हम का मतलब कलमकार 300 गाने बना दिए लोगों ने, इनको भीड़ दो हमें। और यार लाइव सेक्स करना क्या यूट्यूब पे इजाजत होगी हुई है वेंचर, हमको बीट दो हम लिखेंगे बोले सारे पर लिखते नहीं, जो बोले के मैं देख लूंगा, बार मैंने बार 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 पूछा दिखे नहीं, कर्म ना खरा कुछ पूछते है नहीं, कर्म के खर्चों में खुश मैं नहीं, कर्म कमाना जब कुछ मनी तो कर्म के कमर में पप्पन एरा बाइट में कमाई और लिखाई है दबाई, सीन में जगह बनाई काफी को जगह दिखाई, असली लिख रही यहाँ गाने, जगह बनाना बड़ा सीन नहीं है ब्रो, ये सच बात है, जगह दिखाना ये भाई सच्ची बात है। तुम में से कई लोग होंगे जो आर्टिस्ट बनना चाहते हो, सीधी बात, तुम्हें अभी राह नहीं नजर आ रही होगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे 9वीं 10वीं के पेपर का पैटर्न नहीं पता था, आखिरी दिन पता चला, चलो अरे अपने मेरे अपने डबल आर मेरा रंडी रोना भाई मेरा अपना साहब चला, सीन में जगह बनाई काफी को जगह दिखाई, असली लिख रहे यहाँ गाने वा कंपोजिशन टपाई, बोले रिमिक्स बनाना हार्ड लो भाई मेरा ट्राई, उसको जान दो जो आ रही उसको आन दो, जाने वाली तो चली गई आने वाली पे ध्यान दो, और गोला नहीं खाया फिर भी सारे बोले बाम बाम, माल नहीं फूका फिर भी सारे बोले बाम बाम। ये वो है ना क्या कहते हैं एक सॉरी यारी पीछे आवाज आएगी
कौन सा गाना था जिसपे बड़े लोग नाचे यार, ये टिकटॉक के चौदह वो नाचे हैं सारे के सारे। एक तो पहले टिकटॉक में से रगड़ा जाता है, क्या नाम है उसका, तो बेसिकली वो एक तरह से चेजा लगाया उन्होंने जो रिमिक्स के अंदर फंसे हुए हैं। मैंने भी वो प्रदीप आर्टिस्ट हैं वो चिट्टा उनकी मैंने भी स्टोरीज देखी थी ना, वो कह रहे थे कि 200 मिलियन मारे और पैसे, तो मेरे ख्याल से वही टोंट मारा जा रहा है एक तरह से। वो चमके जब भी आए, गिरे 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 सारे लौंडे कसमे झूठी खाए, झूठे वादे करके चाहे के उसको पटाए। अच्छा इसने फ्लो राइम ऐसी की है कि गाना उसका तरह वो लिरिक्स है, मुझे ऑब्वियसली पापी 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 चूलो हमें समझ नहीं आया आज तक कि क्या चीज है जो चूलो, तो अब ये भी मेरे को नहीं पता ये ओरिजिनल लिरिक्स है या इसने खुद लिखी। पर वो इनका खाप इनके हाथ में ना आए, हंसी तो फंसी वो सारे सारे सीखो के कैसे है बनाने गाने वो भी बिना चीट कोड, बिल्कुल डिटो एक जैसी साउंड बीट फ्लो, गैंग्स भी गैगिंग ऑन द माइक बिना डीप थॉट, माय माइंड इज फक्ड अप इन डम फक के संपर्क में सम वक्त और हम सब भी कम टॉप, ये कम वक्त है सब फक कहने हैं सम शब्द के संकट के कम वक्त में, जब सपने समझा गए हम थक तब हम मर के अमित बन कर ली जनरल की गर्दन जकड़ सब इस बढ़ बढ़ के दम पर लिखेगी दो ऐसा दिमाग का भोसड़ा यहाँ पर होता हुआ है सम शब्द के संकट के कम वक्त में, जब सबने समझा गए हम थक तब हम मर के अमिताभ बन कर ली जनरल की गर्दन, अमिताभ बन कर ली जनरल की गर्दन जकड़ सब, अमिताभ तो हमारे लिए सिर्फ एक ही अमिताभ है, कौन बनेगा सबका पति अमिताभ बच्चन साहब लेजेंड, लेकिन अमिताभ बनकर मैं नाम समझता था यार, एक तो मुझे हिंदी नहीं, अमिताभ बनकर ली जनरल नी जनरल की गर्दन, अब या तो कोई इंसिडेंट जनरल की गर्दन पकड़ ली होगी अमिताभ बच्चन ने, तो वही सर फिल्म का डायलॉग लग रहा है मुझे, जनरल की गर्दन अबे किस तरह जनरल की गर्दन किस तरह अमिताभ बच्चन, अबे तुम्हें कुछ यस कमांडो हो जाए ये तो नहीं, ये कोई सीन होगा, अब अमिताभ बोलने हैं भी कि नहीं मुझे, जनरल की गर्दन जकड़ सब इस बढ़ बढ़ के दम पर लिखेगी दो ये सारे कितना हल्ला मचा रहे हम, मैं 300 के पार फिर भी शांत लिखते जा रहे, हमको चीज जो भी चाहिए उस पे कब्जा हक से खा रहे, इनको भीड़ दो हमको भीड़ दो, लिखेगी दो ये सारे कितना हल्ला मचा रहे हम, मैं 300 के पार फिर भी शांत लिखते जा रहे, हमको चीज जो भी चाहिए उस पे कब्जा हक से खा रहे, इनको भीड़ दो हमको भीड़ दो, या अच्छा ब्रो यार एक तो पीछे बात आ रही है, मेरा कोई कसूर नहीं है यार, सीधी सीधी बात है एक तो मैं जब भी आया ना 50,000 ये मेरे ख्याल से ग्लिच हुआ होगा या इन्होंने व्यूज लिए हैं फेक मुझे नहीं पता, लेकिन ग्लिच हो सकता है क्योंकि कमेंट 3,000 हुए हैं, लेकिन बात ऐसी है ब्रो आप सीधी सीधी बात बोलूँगा, सबसे पहले कलमकार के अंदर जो अच्छी चीज़ें होने शुरू हो गई हैं वो ये हो गई है कि भाई वीडियो पे पैसा लग रहा है, भाई वीडियो पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, बड़ा रिस्क वाला सीन होता है कि इंसान इतना, जैसे हम मैं फिर वही बात करूँगा भाई कर ही नहीं रहा कोई उनके अलावा तो कोई और, मैं क्या बात करूँगा नहीं कर रहे हैं लेकिन इस वक्त पीक लेवल पे वायरस है, तो वो ऑडियो फेंकते हैं भाई लेवल, उनको ये होता है कि यार रिस्क होता है, म्यूजिक वीडियो पे पैसा बोल लगता है, उस पे पैसा लगाने के बाद आपको ये यूट्यूब वाला जमाना ब्रो, अब केस्टे और बोले थे डीटो पार्टी रही नहीं है, ठीक है ना, तो एक तो यार बीच में दे दो मेरे, तो भाई वो पैसा लगा रहे हैं इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब ये रिस्क इनके ऊपर है कि क्या किस तरह करके के निकालते हैं, वो बिजनेस गिरी हमें नहीं आती भाई, वो अनके दौर आप दोनों कर लेंगे जो भाई उनका हिसाब किताब होता है, मैं ये कहूँगा कि ये गुड सॉन्ग है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये बहुत हैवी लेवल का, देखो यार मैं छपड़े नहीं हूँ, छपड़ी की माँ का लोड़ा मैम जो तो उसकी वीडियो देखना जरूर लिंक नीचे, भाई मेरे से नहीं ये चीज़ होती, मैं मुझे मुझे मेरी फेवरेट है, मैं समझता हूँ कलमकार इस वक्त बहुत कमाल की है, गली गए गए और भी यानी कि कलमकार ज़रा मेरे को दिल को लगती है, लेकिन मैं अपने फेवरेट आर्टिस्ट के या अच्छे आर्टिस्ट के, फेवरेट आर्टिस्ट तो मैं ये बोलना बेवकूफ़ी है, अच्छे आर्टिस्ट जो मुझे पसंद है
मैं झूठ के बोल दूं कि वो जहाँ अच्छा लगा वहाँ अच्छा लगा ब्रो, पिछला गाना था कृष्णा का वो मुझे एक हद तक अच्छा लगा जो कर्मा के साथ आया था। यार तू गान में मेरी गान में दे दे मैं जो पूरी मशीन का। हाँ तो ठीक है अच्छा, मतलब फ्लो चेंज हुए हैं, देखा कि 3 से 4 हुए हैं ब्रो, ठीक है ना। राइम्स के बीच में एक आता है पार्ट 1 पॉइंट पता नहीं कहीं पे 2 मिनट में, ये यहाँ पे कहीं पे होता है मुझे ये नहीं पता कि एग्जैक्ट क्या है, मैं बार बार सुनूंगा तो पता चल जाएगा। तो वहाँ पे फ्लो, लेकिन स्टिल ब्रो मेरे को वो इतना कैची नहीं लगा ब्रो, फनी था, पंच लाइन थी बीच में, मज़ेदार था, लेकिन स्टिल मैं ये बात मैं बोलूँगा कि देखो राइम वो कहते हैं अंग्रेजी में बोल दूँ तो कॉम्प्लेक्स राइम्स वो भी थी, लेकिन एक एवरेज गुड सॉन्ग था, इसमें कोई ज़्यादा वो हाइप नहीं थी। सॉरी यार तुम लोग ये बुरा ना मनाना, अब फिर मेरे और उसमें फ़र्क नहीं रहेगा ब्रो, अपना आर्टिस्ट जो पसंद है उसके बारे में जो चीज़ हकीकत है वो बोल दोगे तो ये ज़्यादा अच्छा, यही काम है, ये व्यूज चोर रिएक्शन चैनल होने का मेन काम ही ये है कि बैंचो दिए बोलो ये रिएक्शन 10 दफ़ा वीडियो देख के बैंचो रिएक्शन कर देना, वो फेक रिएक्शन नहीं होता, फेक रिएक्शन ये होता है कि तुम रिव्यू झूठ दे रहे हो छपरी की माँ का घोसड़ा, सिंपल एज है। तो हाँ समझ रहे हो आप लोग मेरी बात, होपफुली समझ रहे होगे यार, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि लोग समझें इन चीज़ों को, मज़ेदार था। अगेन वीडियो क्वालिटी बार्स पंच लाइन, तुम्हें रीमिक्स मिलेगा, तुम्हें वर्ड प्लेस मिलेंगे, लेकिन स्टिल उतना कैची नहीं लग रहा जितना एक कलमकार का गाना अक्सर आता है तो होता है। अब ये बात समझ रहे हो ब्रो, अब ये क्यों नहीं लग रहा, मेरा टेस्ट गलत हो सकता है, मैं चूतिया भी हो सकता हूँ, कैमरा गिर जाना था बैंक बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा, समझ रहे हो तुम समझदार। फिर भी मिलता हूँ आप लोगों को यार किसी अगली वीडियो पे, और क्यों मुझे क्या मैं शायद इसको ये भी हो सकता है कि मैंने भी एक दफ़ा सुना तो मैं शायद बार बार इसको सुनूँ, होता है ये अक्सर मेरे साथ हुआ है, जैसे एक किंग का गाना था और मुझे उसका नाम भूल गया, मैंने उसको बीच में सुना था फिर बाद में वो मुझे गाना पसंद नहीं आया था, उसको मैंने जब बाद में सुना तो 2-3 दफ़ा हमने रिपीट करके सुना तो शायद वो समझ लो बीट मज़ेदार है, बीट दो वो जो जो थीम उसका जो रखा गया हुआ ना वहाँ गान फाड़ है, लेकिन स्टिल कैची नहीं है, समझ लो। मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए तुम लोग बताओ तुम्हें इस गाने के अंदर क्या चीज़ अच्छी लगी, तब तक के लिए बाबा जी यस कमान।